यूपी की बहराइच रात के दहशत में गुजर रही। भेड़िया आता है, चुपके से किसी को उठा ले जाता है। बीते एक महीने से बहराइच के कछार इलाके में लगातार ऐसा ही चल रहा है। एक और वन विभाग एक भेड़िए को पकड़ता है, लेकिन फिर उसी रात ऐसा खूनी खेल होता है कि दहशत वापस लौट आती है। 1 सितंबर की रात भी ऐसी ही खूनी और स्याह रात रही। गरेठी गुरदत्त सिंह गांव में भेड़िए ने अपना शिकार खोजा, मासूम अंजलि पर हमला बोला जिसमें उसकी मौत हो गई। भेड़िया यही नहीं रुका, उसने कोटिया गांव निवासी एक बूढ़ी महिला पर हमला बोला। अचला उर्फ कमला देवी इस भेड़िए के हमले की शिकार हुई। ये सिर्फ एक खूनी रात का मंजर नहीं है, रातें बदल रही हैं, भेड़िए का शिकार वैसे ही जारी है। सिसिया चूड़ामी कोलेला हरिभक्सपुरवा मकूपुरवा के साथ खैरी घाट में वन विभाग कैमरा लेकर घूम रहा है, जाल और पिंजरा लेकर घूम रहा है, लेकिन हमले जारी हैं। ठीक एक रात पहले भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ। वन विभाग के लोग ड्रोन लेकर घूमते रहे और आदमखोर भेड़िए ने पारस और 58 साल के कन्नूलाल को अपना शिकार बनाया। भेड़िया कब झाड़ियों से निकलकर आंगन में घुस गया पता ही नहीं चला। पारस अपनी माँ के साथ आंगन में सो रहा था। रात 1:30 बजे भेड़िया आया और सीधे गर्दन पर हमला बोल दिया। हालात ये कि भेड़िए के उस हमले के बाद लोग पूरी रात जागते रहे। बहराइच में भेड़िए की दहशत खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हम इस वक्त बगर मऊ गांव में हैं और मेरी घड़ी में इस वक्त बज रहा है रात का 10, और आखिर में जो गांव होते हैं 9 बजे तक कहते हैं, वहां रात हो जाती है, गांव वाले सो जाते हैं। लेकिन जिस गांव में मैं मौजूद हूं, आप वहां की तस्वीरें अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहां पर तमाम लोग हैं जो लाठी डंडे लेकर गश्त कर रहे हैं। और आप तस्वीरें देखिए, यहां पर मौजूद हैं, इनके पास लाठी है, इनके पास डंडे हैं और रात का समय है। आप लोग भेड़िए को लेकर बड़ी चर्चा इस वक्त है, आप लोग इससे बचा पाएंगे खुद को? हाँ, तो और का लाठी ले है तो हमका मरी है या उनका, हम और का अब खेत बचे हुए है, जागत तो रात भर जाता है, अब रात भर कहूँ सुहावा जाता है। गांव में 8-9 बजे रात हो जाती है। हाँ, तो का वो तो देर लाग देर रात जग रहे हैं, पूरी रात बैठ रहे थे इसे लिए लाठी, और फिर टहलते रहते खेतों में। ना खेत में नहीं है, खेत से आप घर है आप लोग, अरे आप रात भर ऐसे जगवा और बैठ। लोगों ने प्रत्यक्ष आंखों से देखा क्या आपने भेड़िया को अभी तक? हाँ, देखा एक बार। देखा आपने? हाँ, एक बार देखा, आज 4-5 दिन होते हैं। क्या कहाँ देखा आपने? हुआ क्वार्टर से भगा रहा गोला वोला, हुआ जब दागिन पकड़ गया रहा है तो एक अत्तरा है एक अत्तरा है, हाँ दो पकड़ेगी, देखा रहा है भागत आया रहा। तो आप लोग डर नहीं लगता है? तो भाग तो लिया रहा है। भागे थे आप भी? भागे थे, आपके पास भी देखिए क्या है, ये बचाव का ही कारण है। बचाव के लिए देखो, महिलाएं भी यहाँ पर है, ये और भी है, क्या आप क्या लिए हुए? रस्सी है आपके पास? मतलब आप लोग पूरे तैयारी से हैं कि रात में जग रहे हैं, इतना देर का समय है, इस वक्त भी आप सोए नहीं हैं और सब और का तुरंत ये देख लेंगे क्या? तो इससे आप भेड़िया रोक सकते हैं? देखेगा वो, जानेगा जाल लगा है, वो भाग लेगा। मतलब अपने को बचाने के लिए आप लोग इत्यादि उपाय कर रहे हैं? जैसा वैसी का आदमी रस्सी पकड़ ले, ऐसी पकड़ ले, सो जाने जाल अलग है, वो भाग ली दूसरे तरफ। महिलाएं बच्चे आप लोग इसलिए सब कर रहे हैं, जो महिलाएं बच्चे घर पे सो रहे हैं उनके उनके क्या हालात है? बच्चे स्वावत हैं और सयान लोग जागा जाते हैं, क्योंकि बच्चों को ही टारगेट कर रहा है भेड़िया। हाँ, वो जब आई जाए तो जागर न जाए तो पकड़ न ली बच्चन की। हाँ, खतरे पर तो जगह पर रहता है रात में। क्या वो बच्चन का पकड़ा था ज्यादा? हाँ, बच्चन का ज्यादा पकड़ता है, और ज्यादा जब दबेस पड़ता है तो सयान का भी पकड़ लेता है। हाँ सर, गाँव के। ये देखिए, जितनी तस्वीरें जो कैमरा में नीरज आपको दिखा रहे हैं ना, ये इसलिए जरूरी हैं, इनके हाथों में देखिए चीजें हैं, इत्यादि हैं, स्टिक लिए हुए हैं हाथ में। भेड़िया का डर इस वक्त गांव में बहुत है, चर्चा बहुत है। आप लोग कैसे खुद को बचा रहे हैं? मैं देख रहा हूँ हर किसी के हाथ में एक डंडा है, स्टिक है। हम सर पहुड़े रहे अपने द्वारे, हमारे आंगनक चला गया। अच्छा, दो लौंडे हमारे बंगला में पहुड़े रहे, और जब हम उके जब वो कूदा द्वारे से नहीं तो आवाज हमका मिली, तो हम लाठी है सोटा लिए पहुड़े रहे, जस उठे और जानी सी अभी पीछे से उड़ पड़े हैं, वो फिर घूमा और बारू के ढेर को रहा, बारू तड़क है सट दे वहाँ द्वारे गिरा, कि फिर टीन रहा, टीन तड़क है और निकल गया। लोग ये सब लेके घूम रहे हैं, क्या वन विभाग की टीमें यहाँ नहीं आती हैं? नहीं, टीम आती है सर, वो रात भर पहरा देते हैं रात। फिर भी आप लोग यहाँ पर जो है मतलब अपने अपने लगा रहता है। हम लोग जागे थे, उन्हों लोग जागे थे, पूरी रात टीम रहते हैं यहाँ, रात भर तो चलत है गोला तमाशा सब करते हैं। खौफ ऐसा है,
हाँ विधायक जी भी रात में पूरी रात चलते हैं यहाँ पे। कहाँ है महेशी के जो विधायक जी हैं माननीय सुरेश्वर सिंह, वो पूरी रात सिसैया मौजा पूरा पैदल चलते हैं। वही बंदूक वाले? जी जी जी। फिलहाल कहानी ये है, पीछे तक तस्वीरें आप देखते रहिए कि एकदम सन्नाटा है गांव में। जैसा कि मैंने कहा 8-9 बजे तक एक समय होता है जब गांव वाले सो जाते हैं, काम निपटाते हैं, दिन भर थकते हैं, किसानी खेती करते हैं। लेकिन यहाँ की तस्वीर ऐसी है, वन विभाग वाले आते हैं रात में गश्त करने ऐसे बता रहे हैं, पर अपनी सुरक्षा के लिए रात में 10-10 बजे तक माहौल इस तरह का है, गमगीन है, सन्नाटा है। और इसलिए हम आपको ग्राउंड जीरो से तस्वीर दिखा रहे हैं क्योंकि जितने हमले हुए हैं ज्यादातर हमले रात में हुए हैं। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर ये आदमखोर भेड़िया आता है और हमला करता है, गले पर हमला करता है। उससे कैसे बचा जाए उसके लिए सारे गांव वाले आज इकट्ठा हैं, एकत्र हैं और कहीं ना कहीं एक संदेश एकता का भी दे रहे हैं और बता रहे हैं कितने भी भेड़िया आ जाए लेकिन जब तक गांव वाले एक साथ हैं कोई भेड़िया कुछ भी नहीं कर पाएगा। वहीं वन विभाग की माने तो अब तक 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं और 2 अभी घूम रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आतंक फैला है सिवाय दहशत के कुछ और नहीं मिल रहा। बहराइच से रामबरन के साथ समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट यूपी तक।